उलझ गए ना, अपनी मोहब्बत किसी और को सौंप देना इतना आसान नहीं होता। अगर वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त कर भी लें तो क्या तुम दोनों के साथ इंसाफ कर सकोगे? अल्लाह को अपने बंदे की ये अदा बहुत पसंद है कि जब वो परेशानी में मुब्तला हो तो अपनी सारी फिक्रें एक तरफ करके उसके आगे अपना सर झुका दे। परेशानियां और आजमाइशें उम्मीद बनकर फिर से लौट आई हैं। अब कैसी परेशानी? परेशानी यह है कि उसने मेरा साथ कबूल करने से इनकार कर दिया। दिलों को नरम करने वाली जात बस अल्लाह की है। पहले भी उसने तुम्हें परेशानियों से निकाला था, अब भी वही मदद करेगा। बस मेरे हक में दुआ जरूर कीजिएगा। जरूर दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला तुम्हारी हर परेशानी दूर करे और अपने जनाब से वो फैसला करे जो तुम्हारे हक में बेहतर। आशी से बेहतर मेरे हक में और क्या हो सकता है? जब फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया तो वही जानता है कि क्या बेहतर है। उसे फैसला करने दो जो भी वो करे। जब ये ख्याल आता है ना कि मैं उसे फिर से खो दूंगा, सांस रुकने लगती है मेरी।